अगर गलती की है तुमने तो गलती मानो, पुलिस के पास जाके सरेंडर करो, तभी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा जो है वो थोड़ी कम हो जाए। चलो। कहाँ चलो? तुमने ये सब क्यों किया? उस लड़की के लिए? कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये सब तुम वोट के लिए कर रहे हो। वोट तो तब मिलेंगे जब तुम्हें टिकट मिलेगी, और टिकट तुम्हें तब मिलेगी जब गजेंद्र गुप्ता तुम्हें टिकट दिलवाएगा। जिस वक्त मेरी बेटी के पैर पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे, उसी वक्त तुम्हारा राजनीति का सपना इंदौर से बाहर चला जाएगा। गणपति बप्पा मोरिया। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सुमन इंदौरी सीरियल की, जहाँ पर आए दिन ड्रामा देखने को मिलता है, और इस बार कहानी में काफी मजेदार सीन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस बार सुमन के सामने ये सच्चाई आ गई है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट कृतिका ने किया था। और अब ये सच्चाई जानने के बाद तो भाई हमारी सुमन ऐसे ही चुप नहीं रहती, जस्टिस के लिए हमेशा लड़ती है, दूसरों के जस्टिस के लिए लड़ती है, लेकिन अब तो बात उसकी माँ की है। और कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से सुमन और मोहल्ले वाले पहुंच चुके हैं तीर्थ के घर के बाहर हाय हाय का नारा लगाते हुए। और इसी बीच कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई किस तरह से तीर्थ बेहद चालाकी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से तीर्थ बार बार सुमन को कन्वेंस करने की कोशिश करता है कि वो उसे जस्टिस दिला कर रहेगा, लेकिन एटलीस्ट उसे सुमन का और उसके मोहल्ले वालों का साथ चाहिए। और यहाँ पर वो बार बार कन्वेंस कर रहा है सुमन को, लेकिन भाई सुमन ने भी ठान लिया है कि वो तीर्थ की एक भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तीर्थ भी हर पॉलिटिशियन की तरह ही है और वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। लेकिन कहानी में एक एक्साइटिंग ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि इस बार मोहल्ले वाले और सुमन के घर वाले एक मौका देने को तैयार हो जाते हैं तीर्थ को, और इन लोगों को देखने के बाद इस बार सुमन भी राजी हो जाती है तीर्थ को एक मौका देने के लिए। लेकिन यहां पर सुमन ने तीर्थ को शाम तक का ही वक्त दिया है। उसने कहा है कि अगर शाम तक तुमने कृतिका को सजा नहीं दिलवाई तो हम सारे लोगों की उम्मीद तुमसे टूट जाएगी, और हम मान जाएंगे कि तुम भी उन्हीं पॉलिटिशियन की तरह फेक हो जैसे बाकी पॉलिटिशियंस होते हैं। और इसी के साथ कहानी में हम देखने वाले कि भाई कितने चालाकी के साथ यहां पर कृतिका को जानबूझकर तीर्थ सिंपथी दिखाता है, प्यार दिखाता है और अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है, जिसकी वजह से इस बार कृतिका ने सारी सच्चाई अपने मुंह से सबके सामने उगल दी है। और सबके सामने ये सच आ गया है कि भाई कृतिका ने ही एक्सीडेंट किया था, और काफी चालाकी के साथ तीर्थ ने सारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर लिया है ताकि वो एक सबूत की तरह इस रिकॉर्डिंग को पेश कर सके कि ये एक्सीडेंट कृतिका ने ही किया है। और आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किस तरह से इस बार तीर्थ सच में कृतिका को जेल भेजने वाला है और अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेगा, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करेगा। और आने वाले एपिसोड में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा सुमन का रिएक्शन जब उसे पता चलेगा कि तीर्थ ने उसे जस्टिस दिला दी है।